हाफ पैंट और ब्लू टी शर्ट पहने इस शख्स को पुलिस वाले पकड़े हुए हैं। लाजमी है कि आपको कोई छटा हुआ बदमाश या अपराधी लग रहा होगा जिसने कोई क्राइम की होगी या कोई गुनाह किया होगा, तभी वर्दी वाले ने जनाब को गिरफ्तार किया है। दरअसल हकीकत यह है कि ये कोई हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल नहीं है, ना ही इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है। हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि इन्होंने एक बड़ी गलती तो की है जिसके चलते आज पकड़े गए हैं। तो चलिए चेहरे से शरीफ दिख रहे इस शख्स के बारे में बताते हैं और इनकी करतूत भी आपसे साझा करते हैं। खाकी वर्दी की गिरफ्त में आए ये जनाब बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा के CEO हैं। जी हाँ, अंचलाधिकारी, सरकारी मुलाजिम जिन्हें सरकार वेतन देती है और तमाम सुख सुविधाएं भी मुहैया कराती है ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। इनका अपने इलाके में एक अलग रुतबा, पहचान और हनक होती है, लेकिन CEO चंद्रजीत प्रकाश साहब लालच के चक्कर में अपनी इज्जत तो मिट्टी में मिला ली, इसके साथ ही अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर जमीर का भी सौदा कर डाला। CEO साहब को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी विभाग ने पकड़ा। इनकी करतूत से इज्जत की तो वाट लगी ही, आंखें भी शर्म से झुक गई जब मीडिया के कैमरे उन पर चमकने लगे। जो कल तक अफसर थे, थोड़े से पैसे घूस लेने के चलते मुजरिम बन गए और जिंदगी भर का काला दाग लगा लिया। चलिए अब बताते हैं कि आखिर CEO चंद्रजीत प्रकाश कैसे निगरानी विभाग के चंगुल में फंसे। दरअसल गौरी शंकर नाम के एक व्यक्ति ने निगरानी विभाग से डुमरा के CEO चंद्रजीत प्रकाश के बारे में शिकायत की, जो उनकी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। निगरानी की टीम ने पहले तो इसे लेकर तहकीकात की, जांच में बात सही आने पर CEO चंद्रजीत प्रकाश को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। इसके बाद पीड़ित गौरी शंकर को 25,000 रुपए घूस लेकर CEO साहब के पास भेजा गया। जैसे ही चंद्रजीत प्रकाश ने 25,000 रुपए घूस लिया, निगरानी की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा और गिरफ्तार कर पटना ले गई।